ये कल जो है एक विकास पांडे जी जो रतहरा में इनका इलेक्ट्रिक बाइक का दुकान है, बैटरी वाले बाइक का, तो उनके यहाँ जो गोदाम है वहाँ से उनने जब गोदाम खोलकर देखा तो वहाँ पे कई सारे बैटरियाँ, लगभग 14 नग बैटरी, 16 चार्जर और एक इलेक्ट्रिक बैटरी, इलेक्ट्रिक बाइक, ये सारी चीज़ें लगभग कीमती 9.5 लाख रुपए का सामान गोल था। तब इन्होंने हमको पुलिस में सूचना दिया, FIR हमने दर्ज की और तत्काल पुलिस टीम गठित करके और तलाश शुरू किया। तो सबसे पहले हमें वो जो वहाँ उनके यहाँ पे एक काम करता था आशीष पांडे, इनका नौकर, तो उससे जब कड़ाई से पूछताछ किया तो पता चला कि ये व्यक्ति नकली चाबी बना करके रात में जब काम से बाद में चला जाता था तो ये नकली चाबी से गोदाम को खोल करके वहाँ से एक एक दो दो बैटरियाँ रोज ले जा करके छिपा देता था। तो ऐसे करके लगभग 14 बैटरियाँ और 16 बड़े चार्जर और एक बाइक, ऐसे कीमती लगभग 9.5 लाख रुपए का सामान इसने चोरी किया था। और इसके साथ जो दो सहयोगी थे, एक हिमांशु यादव एक किशन, ये लोग इसका सहयोग करते थे। बाइक जो चोरी हुई थी सर, वो शोरूम की थी या किसी कस्टमर की थी? बाइक शोरूम से ही, नई बाइक को चोरी किया था, शोरूम में जो बाइक बेचने के लिए रखा जाता है उसे ही चोरी कर लिया और था। कितने आरोपी थे? इसमें 3 आरोपी हैं। जिन्होंने चोरी का सामान खरीदा सर, उनको भी? हाँ, वो उसमें ये मुख्य आरोपी आशीष पांडे थे, जो जो सामान निकालता था, और ये जो जिनको देता था ये हिमांशु और किशन, ये दो इनके सहयोगी हैं जिनको सामान देता था। कितने लोग इसमें गिरफ्तार हो गए हैं और क्या-क्या सामान बरामद हो गया? इसमें 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं और इन्हें जो जो चोरी किया था, बैटरियाँ बाइक चार्जर, तो लगभग सभी बरामद हो गए हैं। एक आध दो छोटे मोटे सामान अभी नहीं मिले हैं, उसके लिए विवेचना कर रहे हैं। कितने कीमत की थी सर बैटरी वाली? ये लगभग 9.5 लाख, 9.5 लाख कीमत।